राम जी के योद्धा जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर रहे हैं। जनाब नीतीश कुमार अपनी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद माल्यार्पण कर रहे हैं और अब माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय प्रमुख उप मुख्यमंत्री और माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुशील कुमार मोदी माल्यार्पण कर रहे हैं। आप जानते ही उनका आवास है। हम लोग युवावस्था में और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी, कितना बार आए। और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है, हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं बापू के बारे में, जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में, और इन लोगों के विचारों को ही अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाना, समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको आगे बढ़ाना, समाज में एकता रखना, आपस में भाईचारा का भाव, तो इन सब चीज़ों की सीख हम लोगों को हुई है इन्हीं से। इसीलिए आज जो अब पिछली बार कोरोना हो गया, आने का मौका मिला, जैसे ही इस बार हम लोगों ने तय किया कि जाएंगे, तो आज हम यहाँ नहीं आते तो हमको हो सकता है, संतोष हो सकता है कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने तुरंत खबर भी दिया कि हम तो आएंगे वहाँ के बाद। इसलिए आने के बाद यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं इसके लिए तो हम लोगों का सहयोग है ही, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई ज़रूरत और भी है और कोई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उन सब चीज़ों का रेनोवेशन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।